चलिए आइए समझते हैं मार्जिन यूटिलिटी का लॉ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे जैसे हम कंज्यूम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स एक ही कमोडिटी की, तो यूटिलिटी जो मिलती है हर एक एक्स्ट्रा यूनिट खाने पे वो डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपके यूनिट्स है आइसक्रीम की, मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैं खा रहा हूँ, और टोटल यूटिलिटी कैसे निकाल रहे हैं कि मार्जिन यूटिलिटी को देख के, कि पहले मुझे 20 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला, फिर 16 हो गया क्योंकि जैसे मैं ज़्यादा खा रहा हूँ तो ये लो अप्लाई हो रहा है, और फिर और खा रहा हूँ तो और कम हो गया, फिर और खा रहा हूँ और कम हो गया, तो आपके देखो टोटल ड्यूटी भी थोड़ा सा बढ़ तो रहा है लेकिन थोड़ा कम रेट से बढ़ रहा है। टोटल ड्यूटी कैसे निकाल रहा हूँ मैं, इनको प्लस करके, फिर आपका 0 हो गया, फिर नेगेटिव हो गया। इसका देखो ग्राफ ऐसे कर बन रहा है, यहाँ पर आपने पॉइंट्स प्लॉट करें नीचे आइसक्रीम का, एमयू का, और ग्राफ ऐसे जाएगा नेगेटिव दे जाएगा, तो ये स्लोप डाउनवर्ड बनेगा और ये नेगेटिव है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम ज़्यादा चीज़ खाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं एजम्पशन, ठीक है।